नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज इस वीडियो को आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, मैंने साफ साफ ऊपर लिखा है बहुत महत्वपूर्ण अपील है आप सभी से। वो क्या अपील है उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है मुख्य सेविका भर्ती जो आपकी आयोजित होने वाली है, अभी आपको पता है इसकी ना शॉर्ट लिस्टिंग आई है ना इसकी फाइनल एग्जाम की डेट को डिसाइड हो पाई है। आप सभी लोग इसके लिए लगातार परेशान रहते हैं और लगातार पूछते रहते हैं आप लोगों को, जबकि एक रेगुलर एक टीचर के तौर पे या फिर जिसके भी तौर पे आप मानते होंगे मुझे, एक रेगुलर जो भी इन्फॉर्मेशन होती मैं खुद ही देती रहती हूँ आपको। अब इतने दिन एक्सटेंड हो गया है, अभी आपको ये करना है, उसके बाद भी आप लोग इधर उधर भटक भटक के पता नहीं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते रहते हो। अब हम बात करते हैं अपील क्या कर रही हूँ। जैसे जब से आपका ये इन्फॉर्मेशन आई है, आप लोग पढ़ाई ना करके, देखिए बहुत से चैनल्स हैं जहां आपको पता है कि अच्छे से पढ़ाई हो रही है, प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं, आपके डाउट क्लासेस हो रही हैं, आप लोगों के लिए थ्योरी आ रही है, आप वो नहीं पढ़ते हो। आप क्या करते हो, पूरे टाइम एक ही चीज़ ढूंढते हो, वो क्या है, शॉर्ट लिस्टिंग। कब आएगी शॉर्ट लिस्टिंग और न जाने कहां कहां से चैनल भी आप लोग ढूंढ लेते हो जहां ये बता भी देते हैं इस दिन इस तारीख को भी शॉर्ट लिस्टिंग आएगी, जबकि इस बात को तो कोई नहीं बता सकता है। आयोग में बैठे हुए लोग भी खुद नहीं जानते कल कौन सा नोटिस जारी करना है, क्योंकि वो लोग एक साथ तीन चार चीज़ों पर काम कर रहे होते हैं, तो जिस चीज़ पर साइन हो जाता है वो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाता है, ठीक है। उन्हें खुद भी नहीं पता होता कल इस दिन इस समय ये चीज़ हो जाएगी। आप लोग ऑथेंटिक है कि नहीं, चैनल चीज़ें क्लियर है कि नहीं, सब्सक्राइबर कितने हैं, कमेंट उसके टर्न ऑफ है, उसके बाद आप लोग देखते हो कि वो पुरानी चीज़ कोई, मैंने मुझे एक भेजा गया था उसमें देखा था मैंने फूड सप्लाई इंस्पेक्टर जो 76 पोस्ट का रिजल्ट आया था वो दिखा के कोई शॉर्टलिस्टिंग की बात कर रहा था, आप मुझे भेजते हो कि मैम ये फेक है कि नहीं। तो देखिए आप इन सब चीज़ों से प्लीज़ बचिए, टाइम बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती है। एक बार देखिए यूट्यूब ऐसा है कि आप एक बार खोलो एक चीज़ से रिलेटेड ना तो आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तो आपको चूज़ क्या करना है, आपको पढ़ाई चूज़ करनी है, आपको ये न्यूज़ चूज़ करनी है। देखिए मैं बताऊँ आपको, ज़्यादा लोग न्यूज़ चूज़ करते हो, अगर कोई न्यूज़ दे रहा है चाहे वो गलत दे रहा हो या सही दे रहा हो, वो बता रहा कि बस इस महीने परीक्षा हो जाएगी, ऊपर डाल दिया थंबनेल पे उसने इस महीने होगी परीक्षा, आप सब लोगों को तुरंत क्लिक कर लेते हो। भाई क्यों, वो आयोग में बैठा हुआ सदस्य है कि वो आयोग है जो एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। मैं भी अगर ये बताऊँ इस माह आयोजित हो जाएगी परीक्षा तो किस बेसिस पे बताती हूँ, किसी से कुछ जान पहचान होगी, कुछ जानकारी मिलती होगी तब बताती होंगी, है ना। और आप लोग क्या करते हो, पूरे टाइम इधर उधर की न्यूज़ लेकर अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, मेरा भी टाइम वेस्ट करते हो, कि मुझे आप लोग पूरे टाइम वीडियो भेजते हो कि मैम ये वीडियो फेक है कि नहीं है। जैसा अभी कुछ दिन पहले आपको पता है एक RTI डॉक्यूमेंट आया था, वो भी RTI डॉक्यूमेंट नहीं था, ग्रीवांस डॉक्यूमेंट था, लेकिन आप लोगों ने उसके चक्कर में तीन चार दिन अपने तो वेस्ट किए ही, मेरे भी करवाए। मैं यहाँ से वहाँ हर जगह जितने लोगों को जानती थी, विभागों में जितने लोगों से बात होती, सबसे पता किया, तब जाके जो ऑथेंटिक और कन्फर्मेशन न्यूज़ पता चली वो मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए मैं इन सब चीज़ों को, फर्जी चीज़ों को ज़्यादा बताती नहीं हूँ। आप मेरे चैनल पर देखोगे मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट लाती हूँ, पढ़ाई की बातें बताती हूँ, और आप लोगों से भी हमेशा बोलती हूँ उसी चैनल पर फोकस करो जहाँ पढ़ाई की बात हो रही हो। पढ़ाई की बातें बहुत से चैनल कर रहे हैं, आप प्लीज़ उन चैनल से फोकस करिए जहाँ पढ़ाई कराई जा रही हो और पढ़ाई की जा रही हो। उसके अलावा आप इधर उधर भटक के अपना भी टाइम वेस्ट करते हो, मेरा भी करते हो। अब देखिए आपको पता है, अब मैंने आपको बता दिया कि अब जितनी अभी आप देख भी रहे हो, कल अभी एक नोटिस आया है, जितनी आपकी पुरानी भर्तियां हैं 2016 की, 17 की, 18 की, ये सब कोई भी भर्ती हो, DV हो या इनका रिजल्ट आना बाकी हो, पहले क्या किया है आयोग ने, पहले वो इसको लेकर आएगा और आपकी भर्ती किसके थ्रू है, पेट 21 के थ्रू, तो फिर आपकी भर्ती होगी और फिर पेट 22 का नंबर आएगा, ठीक। तो इसका मतलब है इस पूरे जनवरी क्या है, कोई शॉर्ट लिस्टिंग की बात नहीं करनी है, कोई भर्ती परीक्षा का एग्जाम नहीं देखना है आपको, ठीक। किसी भी मुख्य सेविका वाले को अब इस समय पूरे जनवरी अपनी पढ़ाई करनी है, सीरियल की तैयारी कर रहे हो, KVS की तैयारी कर रहे हो, जिसकी तैयारी कर रहे हो वो करनी है पूरे जनवरी भर। मुझे बता दूं आपको, पूरे जनवरी भर कोई भी बच्चा ना शॉर्ट लिस्टिंग को देखेगा ना एग्जाम डेट देखेगा, जिसको बनाना है बनाने दो, आप नहीं देखो क्योंकि नहीं होगा एग्जाम, ठीक। और दूसरी चीज, जब आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट करते हो, भरोसा करते हो, एज अ टीचर, एज अ बड़ी बहन, जो भी आप मानते हो, उसकी एक एडवाइस मान लो, वो ये दोस्तों, अपना टाइम मत वेस्ट करो। बहुत टाइम आप लोग इस चक्करों में वेस्ट कर लेते हो, मैं जब खुद से आपको पता, जितना आप हो उससे ज़्यादा शायद मैं अटेंटिव हूँ आपके लिए,
आप जब आएगा एग्जाम उसके पहले मैं आपको खुद बता दूंगी कि भाई एग्जाम आने में इतना दिन बचा है, शॉर्टलिस्टिंग इस दिन आ गई है, इतने लोग सेलेक्टेड हो, ठीक है। तो इस चीज को मेरे ऊपर छोड़ दो, आप खाली क्या करो, पढ़ाई करो। ये सब काम आप लोग करोगे, आपका टाइम ही उससे वेस्ट होगा, इधर उधर सबका चैनल देखो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। पढ़ाई हम हमेशा कहती हूँ, जहां से प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, जहां से पढ़ाई का कंटेंट मिल रहा हो, आपको लगता है अच्छा है जेन्युइन तो बिल्कुल पढ़ो, लेकिन ये सब न्यूज मत देखा करो इधर उधर दौड़ दौड़ के, 2 साल वाले एलिजिबल है कि नहीं, है कि नहीं, मैंने आपको बता दिया है क्या सच्चाई है, सभी लोग एलिजिबल हो, एग्जाम सभी लोग दोगे, दो आराम से, जब डीवी का टाइम आएगा तब जब देखा जाएगा क्या है, कुछ प्रॉब्लम होगी उस समय उसके बारे में बात की जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है अभी, वैसे 2 साल वाले सब एलिजिबल हो, क्योंकि पहली भर्ती जो इसकी हुई है उस समय सभी लोग एलिजिबल थे, बार बार कह रही हूं, इसीलिए एलिजिबल हो आप लोग। अब देखिए, अब मैं बताऊंगी, उसके बाद कमेंट्स बहुत ढेर सारे आएंगे, आपको क्या करना है अभी, अगर मेरी बातों को मानना है तो मेरी बातों को मानो, और कमेंट्स को पढ़ते हुए चलना है तो कमेंट्स को पढ़ लो, ठीक है। पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर लो, अभी आपके ऊपर है कि आपको 3-4 ऑप्शंस में किसको चूज करना है, क्योंकि टाइम किसी के पास, मैं आपको बता एक बार आपको पता होगी ना, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, टाइम और टाइड किसी का इंतजार नहीं करते हैं। तो अगर आपने अपना टाइम, जो प्रीशियस टाइम है, उसको वेस्ट कर दिया तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा, सिर्फ टाइम को वेस्ट मत करिए, बहुत टाइम आपका भी कीमती, आपका से बहुत काम होगा, उसके साथ आप पढ़ाई कर रहे होगे, मेरे पास भी बहुत काम है, तो बस यही मेरी अपील थी, पढ़ाई करो, पढ़ाई की कंटेंट पूछो, क्लियर करो, कुछ गड़बड़ मैंने बता दिया, किसी और ने कहीं कुछ गलत बताया वो कंफर्म करो, वो बहुत बढ़िया चीज है, अच्छी चीज है वो, लेकिन ये सब चीजें नहीं करो, ठीक है। तो पूरा जनवरी अब किसी का कोई मैसेज नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नंबर दी हूं अपना पीडीएफ के लिए, 199 की पीडीएफ जो प्रोवाइड कर रही हूं, 8957215956, इस पर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए नंबर दिया गया है, ये इसलिए नंबर नहीं दिया गया आपकी सब क्वेरीज हो, ठीक है। और जिस भी जगह मैंने बता भी दिया, जिस भी जगह आपको लगे कि वहीं बताई जा रही बात, तो प्लीज उसी चैनल से, उसी जगह से क्लियर कर लिया करो उसको, ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 3-4 दिन सिर्फ इसी के चक्कर में वेस्ट हुआ है। तो अब हम शॉर्टलिस्टिंग की बात और ये 2-3 साल वाली बात बिल्कुल नहीं करेंगे, और आपको भी नहीं करनी, जो लोग जेन्युइनली मुझे ट्रस्ट करते हो और पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो बस थैंक यू आप सभी को सुनने के लिए, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीडीएफ चाहिए होगी तो आप इस नंबर में बात कर सकते हो, लेकिन उसके अलावा कुछ मत करना, पढ़ाई करना, जो भी तैयारी कर रहे हो करो, इसकी कर रहे हो उसको करो, और साथ ही साथ इन सब चीज़ों से प्लीज़ बच के रहो, ठीक है। धन्यवाद।